यहाँ पर हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की अगर हम बात करें तो अप्रेंटिस की 9 वैकेंसी इनकी तरफ से निकल कर आई है, जिसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए जाना होगा। अक्टूबर 16, 2023 सुबह के 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है। मैं भी आगे चलकर आपको एड्रेस भी प्रोवाइड करूंगा कौन सी जगह पर आपको जाना है। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हो वैकेंसी तो बहुत ही कम है यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर जो स्टाइफंड इनकी तरफ से मिलेगा वो आपको अच्छा खासा स्टाइफंड देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर टर्नर की भी वैकेंसी है, मैकेनिस्ट की वैकेंसी है, कारपेंटर की वैकेंसी है, वेल्डर ट्रेड की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की वैकेंसी है, फिटर ट्रेड की भी यहाँ पर वैकेंसी है और पेंटर की भी यहाँ पर एक वैकेंसी है दोस्तों। और हर एक ट्रेड के लिए, जिस भी ट्रेड की यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, इसके लिए जो एज है दोस्तों वो 28 साल से कम होनी चाहिए आपकी, तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जिस भी ट्रेड की यहाँ पर वैकेंसी है उसी ट्रेड के अंदर आपने आईटीआई किया होना चाहिए और आईटीआई में आपके 60% यानी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए दोस्तों, तब जाके आप यहाँ पर इलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। आपकी ट्रेनिंग जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में रहेगी। और एज देखिए यहाँ पर फिर से बताया है, एज आपकी 28 साल से कम होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2023 को यहाँ पर आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी दोस्तों, तो देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपकी कितने टाइम की ट्रेनिंग रहेगी, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ अप्रेंटिस रूल 1991 एंड अमेंडमेंट रूल, आपके यहाँ पर जो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। और नीचे यहाँ पर स्टाइफेंड आपको देख सकते हो कितना क्या स्टाइफेंड आपको मिलेगा, 18,500 रुपया आपको पर मंथ यहाँ पर स्टाइफेंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप यहां पर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले apprenticeshipindia.org पर रजिस्टर करना होगा। यहां पर देख सकते हैं apprenticeshipindia.org पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि हाँ आपने रजिस्टर कर दिया है दोस्तों पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन ईमेल आपको यहाँ पर जब आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओगे, वॉक इन सिलेक्शन के लिए जाओगे दोस्तों, तो वो कंफर्मेशन ईमेल आपको यहाँ पर शो करानी पड़ेगी, आपको दिखानी पड़ेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप वहां पर पोर्टल पर रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है दोस्तों TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो ये इनकी वेबसाइट है www.tifr.res.in, यहाँ पर आपको जाना होगा। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना होगा, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से रहेगा, तो ये आईटीआई में जो आपके मार्क्स आपने लिए होंगे, जो परसेंटेज आपकी आई होगी दोस्तों, उसी बेसिस पर यहाँ पर मेरिट तैयार होगा और आपको सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए जाओगे दोस्तों, तब आपको यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपीज भी अपने साथ में लानी है, जो यहाँ पर नीचे आपको बता दी गई है, देख सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको अपने साथ में रखना है, और उसके साथ जो आपका रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ रहता है वो भी आप अपने साथ में रखोगे। अप्रेंटिस पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ईमेल आपको आई होगी, वो उसकी कॉपी आपको अपने साथ में रखनी है, और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए चाहे फिर आधार कार्ड रख लीजिए या इलेक्शन कार्ड रख लीजिए या पैन कार्ड या पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आध आप आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ में रखिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने साथ में रखोगे, जैसे 10th का जो मार्क्स कार्ड रहता है। फिर सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आप अपने साथ में रखे हुए, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपीज भी। आईटीआई के जो मार्कशीट रहती है दोस्तों वो भी आप अपने साथ में रखोगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखोगे, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपीज। और यहाँ पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए जो भी डेट आपको प्रोवाइड की गई है 16 अक्टूबर सुबह के 9 बजे आपको वहां पर रिपोर्ट करना है, कौन से एड्रेस पर आपको जाना है। तो दोस्तों एड्रेस यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो मुंबई में आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के दौरान आपको अरेंजमेंट अपने रहने का अपने खुद से करना है दोस्तों, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान जो भी आप रहने का अरेंजमेंट करोगे वो खुद से ही करोगे, उनकी ओर से कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। और वॉक इन सिलेक्शन के लिए आप जाओगे तो तब भी आपको यहाँ पर इनकी तरफ से कोई भी मतलब पैसे नहीं दिए जाएंगे, कोई भी ट्रेवल अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही अपने खर्चे पर जाना है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है, देख सकते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च फर्स्ट होमी बाबा रोड नेवी मुंबई कोलाबा मुंबई 4005, ये एड्रेस है दोस्तों।
16 अक्टूबर 2023 सुबह के 9 बजे आपको इसी एड्रेस पर यहाँ पर जाना है दोस्तों। अगर आप टाइम पे रिपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों तो 12 नून के बाद आपको यहाँ पर जो है एंट्री नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने क्या बताया है कि और भी वैकेंसीज इनकी तरफ से फिलअप की जा सकती है दोस्तों इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। वो यहाँ पर इनको जो इंस्टीट्यूट है इनके पास राइट है दोस्तों, अगर ये चाहता है इनको लगता है तो और भी कुछ वैकेंसी ये फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।